पिंपल्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है और आपने बहुत सारी मेडिसिन खाई हैं, बहुत सारे मार्केट की क्रीम भी लगाई हैं, फिर भी आपके पिंपल्स आपके स्किन से नहीं जा रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हाई आई एम पूजा एंड वेलकम अगेन ऑन माई चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब डाउन बिलो एंड हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस एन अपडेट। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, बहुत सारी गर्ल्स ने मुझसे पूछा है कि प्लीज़ हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, हमें कोई होम रेमेडी बताइए जिससे हम उनसे उन्हें दूर कर सकें। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया है बट जब तक हम उनकी मेडिसिन खाते हैं तभी तक हमारे पिंपल्स नहीं होते हैं, बट हम जैसे ही उनकी मेडिसिन बंद कर देते हैं हमारे स्किन में फिर से पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से परेशान हैं तो मैं आपके लिए एक परमानेंट सॉल्यूशन लाई हूँ जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सा वर्क करेगा, बहुत ज़्यादा आपके पिंपल्स हैं तो उनको रिड्यूस करेगा, धीरे धीरे उनको ख़त्म करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाएगा, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनाएगा। तो अगर आप ही इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप एक परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस होम रेमेडी को फॉलो करें जिससे आपके पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपके डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखेगी, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग दिखेगी। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। इस पैक को बनाने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे ऑलिव ऑयल, उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे सैंडलवुड पाउडर यानी चंदन का पाउडर, उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे तुलसी का पैक, इसमें मुल्तानी मिट्टी भी होती है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे पपाया का पाउडर। ये सारे प्रोडक्ट्स हर्बल हैं और सेफ है आपकी स्किन के लिए। उसके बाद हम इसमें लास्टली ऐड करेंगे ग्लिसरीन, इसमें लेमन एसेंस है जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद इस पैक को बनाने के लिए हम इसमें लेंगे 1 टेबल स्पून सैंडलवुड पाउडर, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून तुलसी पैक, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पपाया पाउडर और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ग्लिसरीन, उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। तो मैं ये फिगारो का ऑलिव ऑयल ले रही हूँ, अगर आपके पास कोई और भी है तो इसे यूज़ कर लीजिए। और इन सारे चीज़ों को अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी करके मिलाना है, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में बन जाएगा। आपको बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इस पैक को बनाना है। तो ये हमारा पैक बनकर रेडी हो चुका है, हमें इसे कुछ इस कंसिस्टेंसी में बनाना है जो कि बहुत ज़्यादा रनिंग ना हो ताकि आपके फेस पे अच्छे से ये अप्लाई हो जाए। तो अब हम इस पैक को अप्लाई करेंगे, ये पैक कुछ इस कंसिस्टेंसी में है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारे स्किन के लिए। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें हमने यूज़ किया है चंदन का पाउडर यानी सैंडलवुड पाउडर, इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे स्किन के पिंपल्स को हटाने में हेल्प करता है और इसकी स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है जो आपके मूड को भी रिफ़्रेश कर देगी और बहुत ही ब्राइट स्किन आपको देगी। उसके बाद हमने इसमें यूज़ किया है तुलसी, तुलसी में बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीसेप्टिक तत्व होते हैं जो हमारी स्किन से पिंपल को रिमूव करके उनके मार्क तक हटा देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारी स्किन को ब्राइट बनाते हैं, ग्लोइंग बनाते हैं। और इसमें हमने यूज़ किया है पपाया, तो पपाया में ऑलरेडी बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनाते हैं हमारी स्किन को। इस पैक को अप्लाई करने के बाद हम इसे 10 मिनट के बाद धुल देंगे, यानी आपको बहुत ज़्यादा इसे ड्राई नहीं करना है, हल्का सा ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसे धुल देंगे। तो हमारा पैक अब हल्का हल्का ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसे वॉश करेंगे। तो वॉश करने के बाद हम इसे पैट ड्राई करेंगे, यानी कि हम इसे हल्के हाथों से रब नहीं करना है, हमें हल्के हाथों से पैट ड्राई करना है अपनी स्किन को, बहुत ज़्यादा आपको रगड़ना नहीं है। तो इसके बाद इस पैक को अप्लाई करने के बाद मेरी स्किन कुछ इस तरीके से लग रही है जो कि बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे टोनर, तो टोनर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ओपन पोर्स को बंद करने के लिए, तो मैं स्किनेला का ये टोनर यूज़ कर रही हूँ जो कि मेरा फेवरेट है और ये बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लुक देता है। इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इस तरीके से हम इसको कुछ ऐसे ही मसाज करेंगे ताकि ये टोनर ड्राई हो जाए, हमारी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। तो उसके बाद हम इसमें लगाएंगे स्किनेला का मॉइस्चराइज़र जो कि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो हम इसे बस थोड़ी सी क्वांटिटी में लेंगे
इसके बाद आपको कोई भी एक्सपेंसिव नाइट क्रीम यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है। इसके फर्स्ट यूज़ से ही आपके पिंपल्स रिड्यूस होने लगेंगे। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है। ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा, ग्लोइंग बनाएगा, जिससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लगेगी। इस होम रेमेडी के साथ साथ आपको रखना है कुछ बातों का ध्यान, जिससे आपको दोबारा एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करके सोएं। जब भी आप रात में सोते हैं तो अपनी स्किन को एकदम क्लीन कर लीजिए। अगर आपने कोई मेकअप अप्लाई किया या आप बाहर निकले हैं, डस्ट है आपकी स्किन पर, तो आप उसको अच्छे से क्लीन करिए। उसके लिए आप मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन देख सकते हैं, जो कि मैं आई बटन में दे दूँगी। आप उसको क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। और दूसरी बात है कि आपको पीना है खूब सारा पानी। तो अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। जितना आप पानी पियेंगे आपकी बॉडी से उतने ही टॉक्सिन्स बाहर हो जाएंगे, जिससे आपकी स्किन में एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप जब भी कोई प्रोडक्ट अपनी स्किन पे लगाएं तो ध्यान रखें वो अच्छे ब्रांड का हो, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पे हार्मफुल ना हो। और आप जब भी धूप में जाएँ एक अच्छी सनस्क्रीन ज़रूर से ज़रूर लगाएँ। And thank you so much for watching this video. If you like this video, please share with your family and friends. और आगे से और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स पे बने रहिए। And thank you so much. Bye bye. Take care.